दस बेवजह हिजरे आराना सता बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह तुम क्या बातें कह रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो वैसे दाद देनी चाहिए आपको कैसे कर लेती हैं आप सब कुछ हकीकत यह है रूबी के यहाँ शादियां नहीं हुआ करती बताओ उसे कि इंडस्ट्री के लोगों का शोबिज के लोगों का रहन सहन उठना बैठना कैसा होता है कहाँ है वो तस्वीर टूटो से इस घर में जो कुछ भी होता है उसका फैसला सिर्फ मर्द करते हैं एक मशवरा दूं ये क्या बकवास कर रही हो तुम क्या बात कर रही हैं आप सबा तुम्हें मालूम है ना कि मेरे से अम्मा की लालच का सामना नहीं होता मैं ये जानना चाहता हूँ सलामत कि कौन थे वो लोग चौधरी साहब आपके सर की कसम जी मैंने कुछ भी बेरा को नहीं जी कौन लोग थे वो तुम्हें तो पता है कि सारी हयाती मैं फैजान की गलतियों को भुगतता रहा और भुगतता रहूंगा मैंने सोचा कि आज मेरी बेटी चली जाएगी तो जाने से पहले क्यों ना एक डिनर साथ में कर ले मुझे आपके साथ कोई मसला नहीं है समर का इस तरह मुझे इग्नोर करना समझ नहीं आ रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मा हाँ समन मैं ठीक हूँ तू कैसी है बता जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ अम्मा मैंने आपको ये बताना था कि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ काम में दो तीन दिन बाद घर चक्कर लगाऊंगी आप खाला की तरफ गई हुई हैं मैं इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आपको रिश्तेदार याद आ गए हैरत की बात है वैसे ठीक है आप फिक्र ना करें मैं चली जाती हूँ सबा के पास अच्छा चल ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ अच्छा ठीक है माँ है क्या मेरी माँ को मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही वो वहां मजे में खाला की तरफ गई हुई है और मैं इस परेशानी से निकल ही नहीं पा रही सोचती हूँ कि अगर मैं इनकी जिंदगी से निकल गई तो ये लोग कहाँ जाएंगे अब आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी थैंक यू सो मच कोई बात नहीं एंड आई एम सॉरी मैंने पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया लेकिन फिर भी आपने मेरी मदद की कोई बात नहीं कभी कभी शोखी गले भी पड़ जाती है तो इट्स ओके आप आइए मेरे साथ मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ अरे ये आपको पहले पूछना चाहिए था आप एक काम करें मुझे अपना नंबर दे दें मैं मैकेनिक को भिजवा देती हूँ मैंने कहा ना कोई मसला नहीं है हम लड़कों को तो वैसे भी आदत होती है तो इट्स ओके कोई बड़ी बात नहीं अच्छा सुने अगर फिर कभी हमारी मुलाकात हुई ना So finally you are going back. अगर तुम चाहती हो तो मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ शूट के बाद इससे क्या होगा क्या होगा
घूमेंगे फिरेंगे, तुम केप टाउन दिखाना मुझे और क्या। फिर भी एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है आपको। ऑब्वियसली मैं सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं रह सकता ना, एक ना एक दिन तो बाकी वापस जाना है, काम है वहाँ पर। आपसे अच्छी ऑप्शन तो डैड ने मुझे दी थी। क्या ऑप्शन दिया? डैड चाहते हैं मैं कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान चली जाऊँ। तुम पाकिस्तान जाके क्या करोगे? सुना है बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत प्यारी प्यारी जगह वहाँ पे। हाँ खूबसूरत तो है। आप नहीं दिखाएंगे मुझे पाकिस्तान? क्यों नहीं दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। तुम इतनी अच्छी होस्ट हो, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है। यू नो समीर, डैड क्यों चाहते हैं मैं पाकिस्तान जाऊँ? क्यों? चाहते हैं कि मैं कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं, ताकि मैं कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोचूं। समीर प्लीज गेट बैक टू मी, ऐसा मत करे मेरे साथ। मैंने बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है। समीर प्लीज गेट बैक टू मी। Same look, same voice. Nice to meet you. You too. Hello, कैसे हो शबीर? Hello, रूबी कहाँ चली गई थी तुम? इतना अरसा कॉल ही नहीं की। बस यार कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कॉल नहीं कर सकी। अच्छा क्या हुआ था? इस बात को छोड़ो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे बड़े चौधरी साहब पे शक है कि इन्होंने अपनी मुलाजमा को मरवाया है। अच्छा तो क्या अब तुम्हारा शक यकीन में बदल गया है? हाँ ऐसे ही समझो कुछ। अच्छा तो ठीक है, ये बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो अपनी एनजीओ वालों को लेके यहाँ पे आ जाओ। देखो ऐसा मुमकिन नहीं, अगर ये खबर गलत साबित हुई तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखो शबीर, यहाँ की तो पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, उन गरीबों का तो कोई वारिस ही नहीं है। ओहो मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन हम बगैर सबूत के कुछ नहीं कर सकेंगे, उल्टा ये सब चीज़ें हमारे गले पड़ जाएंगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का सबूत चाहिए? तुम तो जानती हो, तुम हमारे साथ काम कर चुकी हो। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इन लोगों का क्या करूँ। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम ऑफिस आके मुझसे मिलो। मगर मैं तो गाँव में हूँ। तो क्या तुम शहर नहीं आ सकती? पता नहीं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर पे। आप बताएं आपने कब आना है घर? सबा मुझे यहाँ पे काम है, बस दो दिन में फारिग हो जाऊँगी और फिर चक्कर लगाती हूँ घर। आपी आप होटल में क्यों रुकी हैं? घर आकर सारे काम कर लें। सबा मैंने कहा ना काम है, जैसे ही फारिग होती हूँ आती हूँ घर। मुझे तो लगता है आप अम्मी से नाराज़ हैं।
इसीलिए होटल में रुकी हैं। लेकिन वो तो घर पे ही नहीं है। अब तो आप घर आ जाएं। सभा मैंने क्यों अम्मी से नाराज होना। एनीवे मैं तुम्हें कहा ना बस मैं एक दो दिन तक आती हूँ। अच्छा ठीक है आ जाइएगा जल्दी मैं आपका इंतजार करूँगी। चलो फिर मैं मिलती हूँ तुमसे। ओके खुदा हाफिज। ओके आपी खुदा हाफिज। अरे भाड़ में जाए इलेक्शन दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जो बातें ठंडे दिमाग से सोचने वाली हो। अब तुम ये मत कहना कि वतन की मोहब्बत में ही आ लेगी। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हारी अम्मा से बहुत डरता हूँ। जल्दी से गाड़ी निकाल सलामत जरूरी काम से जाना है। हम दोनों एक साथ यहाँ से वापस जाएंगे। खैरियत तो है ना बीबी जी क्या हुआ है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं बन गया तू क्यों वजह बेवजह बन गया तू क्यों वजह बेवजह। ट्रैक्टर में मसला है तो मैं क्या करूंगा मैकेनिक हूं। ठीक है हाँ हाँ भाई जब तैयार हो जाए ठीक हो जाए तो मुझे फोन कर देना। आपने बुलाया था चौधरी साहब। जल्दी से गाड़ी निकाल सलामत जरूरी काम से जाना है। तो बड़े चौधरी साहब भी जामे के साथ। वो हमारे साथ कब से जाने लगे। वो कह रहे थे ना जी कि जलसे में मैं भी चलूंगा। तो तुझसे किसने कह दिया कि मैं जलसे पे जा रहा हूँ। अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं जी। तू सवाल बड़े करने लगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा जल्दी से गाड़ी निकाल जी। और हाँ घर में अब्बा जी को कानो कान खबर ना पड़े कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं क्या बताऊंगा जी मैंने तो खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वो तो तुझे पता चल ही जाएगा जब गाड़ी में बैठेगा। और हाँ साथ असला भी रख लियो। जा जल्दी जा। बीबी जी खाना लगा दिए। अच्छा ऐसा करो फैजान का भी लगा दो। मगर बीबी जी फैजान साहब तो चले गए। बाहर चले गए। हाँ जी मैंने उन्हें अभी देखा जाते हुए। अच्छा जाओ तुम। ठीक है। सलामत ये इलाका किसका है। जो चौधरी मुनीर का इलाका सर। एक बार मुझे पता चल जाए ना कि मेरे अगवा करवाने में चौधरी मुनीर का हाथ था तो देखना मैं क्या करता हूँ। अरे चौधरी साहब अभी इस बात का टाइम कोनी इलेक्शन चल रहा है। अरे भाड़ में जाए इलेक्शन दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पता तो चले मेरे साथ हो क्या रहा है। फैजान बाबू आप अभी गुस्से में हैं और यो बातें ठंडे दिमाग से सोचने वाली हो गई। ठंडी चीजें फ्रिज में रहा करती हैं। तो चल मेरे साथ और साथ असला ला। हेलो। हाँ सभा कैसी हो तुम। मैं ठीक तुम बताओ तुम्हारी जॉब का क्या बना। हाँ मैं पैसे जमा करवा दूंगा तो काफ़ी उम्मीद है कि हो जाएगा। जल्दी कर लो ना मुझे समन आपी से तुम्हारी बात करनी है। वो तो ठीक है सभा लेकिन अब कुछ दिन तो लगेंगे ना पैसे जमा करवाने के बाद।
अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम जल्दी करो। अरे भाई तुम्हें शादी की जल्दी पड़ी है और मुझे नौकरी की जल्दी पड़ी है। मुझे शादी की जल्दी नहीं पड़ी हुई है। तुम समर आपी से एक दफा बात कर लो बस। तो सबा वैसे ही बात कर लो, इसमें क्या है? कुछ तो हो मेरे पास बताने के लिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती एक आवारा सा लड़का है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो भाई तुम ये कहो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत के नाम पे तो मान ही जाएंगी। हाँ शायद वो बेचारी तो खुद अपनी मोहब्बत गवा बैठी है। आए थे आज उनके मजनू साहब। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि जल्दी करो तुम भी, ये ना हो कि तुम भी मेरे पीछे मजनू बने फिरते रहो। यार तुम भी अजीब बातें करती यार। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। हेलो समीर। हेलो। शुक्र है समीर आपने मेरा फोन तो उठाया। कहाँ हैं आप? मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ पे हो? समीर मैं पाकिस्तान में हूँ और पागलों की तरह आपको ढूंढ रही हूँ, आपसे कोई रापता ही नहीं हो रहा। किरण मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुमने पाकिस्तान नहीं आना। क्यों नहीं आऊँ मैं पाकिस्तान? पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं जब चाहूँ आ सकती हूँ। अब तुम ये मत कहना कि वतन की मोहब्बत में ही आ ले। नहीं समीर ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी मोहब्बत खींच के लाई है यहाँ पे। देखो किरण प्लीज जिद मत करो, मैं वापस चला जाऊंगा फिर वहीं पे मिल लेंगे हम। नहीं समीर हम दोनों एक साथ यहाँ से वापस जाएंगे। देखो मुझे और भी काम है, मैं इसीलिए पाकिस्तान आया था। समीर वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो मेरे लिए निकाल सकते हैं ना, अब ऐसी भी क्या मसरूफियत है आपकी? देखो मैं तुमसे नहीं मिल सकता। अच्छा ठीक है, आप अपने सारे काम ख़त्म करें, जब फारिग हो जाएंगे हम तब मिल लेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। किरण तंग मत करो प्लीज। अच्छा चलो ठीक है ओके ओके ओके। एनी एनी जी बेबी जी। एनी मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम गाड़ी का बंदोबस्त करो, मुझे डॉक्टर पे लेके जाओ। खैरियत तो है ना बेबी जी, क्या हुआ है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है एनी, मुझे प्लीज़ डॉक्टर पे लेके जाओ। जी बीबी जी मैं अभी बड़े चौधरी साहब को जाके बताती हूँ। सलामत जी चाचा, यहाँ आसपास में किसी दूसरे डेरे में देखते हैं। वो फैजान बाबू चौधरी मुनीर को पता चल गया तो वो गुस्सा कर जाएगा। अरे चौधरी मुनीर की ऐसी की तैसी, जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि वो लोग कौन थे तो जो मैं करूंगा वो देखना। हाँ मैं तो बोल रहा था कि बड़े चौधरी साहब ने अगर बता दें तो जरा बेहतर हो जाएगा। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तू बस चल मेरे साथ। ये फैजान बाबू ने कैसे रोकूं, ये तो लागे के आई ढूंढ निकाल लेंगे। सलामत कोई नहीं है घर पे, खाओ आराम से। आवाज किसकी थी? कोई भी नहीं है घर पे, तुम कितने डरपोक हो ऐसे? भाई तुमने वाकई मुझे डरा दिया। कहाँ गई तुम्हारी अम्मा? अम्मा अपने रिश्तेदारों के घर गई हैं, कुछ दिन वहीं पे रहेंगी। यार तुम्हें पता है मैं तुम्हारी अम्मा से बहुत डरता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मेरा रिश्ता कैसे मांगोगे? पहले ना तुम मुझे एक और प्लेट खीर खिलाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। ये लो। ये एक ही प्लेट थी, पकड़ो और ये खाओ। अच्छा थोड़ी सी घर के लिए तो दे दो। ओके लाती हूँ। ओके
क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस अभी शॉपिंग से आ रही हूँ। मैंने उसे ऐसा क्यों कहा? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ऐसा भी क्या किया सबा, तुम्हारी वजह से आई, वरना कभी भी ना आती मैं इधर। वो डॉक्टर साहिबा आए तो पहले मेरे पास लेके आना। वो जी मैं फैजान बाबू के साथ आया हूँ जी। डैड नहीं नहीं, मैंने समन को नहीं बताया। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हेलो जी डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस अभी शॉपिंग से आ रही हूँ। नहीं नहीं, अकेली गई थी। टाइम अच्छा गुजर तो नहीं रहा, अगर गुजारने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। एक्चुअली समीर थोड़े बिजी थे तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। डैड नहीं नहीं, मैंने समन को नहीं बताया, और आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि आप समन से बात नहीं करेंगे। अच्छा मिल लूँगी, जब मेरा दिल करेगा मैं उससे रब्ता कर लूँगी, लेकिन अभी आपने नहीं बताना उसे। आप प्लीज़ परेशान नहीं हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पे। ओके डैड, आई मिस यू, अल्लाह हाफ़िज़। उसे ऐसा क्यों कहा? ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मगर वो लड़का बहुत अच्छा था, थोड़ा सा खामोश, थोड़ा सा शोख, बाकी बहुत अच्छा। शायद हम फिर कभी ना मिले, मगर अगर कभी मिले तो बड़ा अच्छा लगेगा। चौधरी साहब, रूबी बीबी की बहुत तबीयत खराब है और वो कह रही हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या हुआ उसे? पता नहीं जी, वो कह रही हैं कि मुझे घबराहट भी और ये तबीयत भी बहुत खराब है। अरे तबीयत खराब है ना तो मर तो नहीं रही है ना? मैं डॉक्टर को यहीं फोन करके बुला लेता हूँ। ठीक है जी। और सुन सुन, वो डॉक्टर साहब आए तो पहले मेरे पास लेके आना। ठीक है चौधरी साहब जी। डॉक्टर साहब मैं ओए मैं उसी जगह खड़ा हूं, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। भजन बाबू, जो अक्रम सा है इधर ही रहता है। तो बता अकरम, इस घर में कौन रहता है? ये मकान खाली पड़ा है, एक साल से ये लोग शहर चले गए हैं। ये अब वहीं रहते हैं। खाली पड़ा है, ये कैसे मुमकिन है सलामत? इसी घर में तो मैं इतने दिनों से कैद था। ये तेरा अकरम शायद झूठ बोल रहा है। ना ना जी ना, यो मैं जानता सुजी इसको काफी अरसे से, झूठ नहीं बोलता जी। क्या मेरी जुरत है चोई साहब मैं आपसे झूठ बोलूं? ठीक, वैसे अगर यहाँ कोई रहने आए तो सलामत को फौरन इतला कर देना।
बेबी कैसी हो? अच्छा चलो रोना बंद करो, मुझे नहीं करनी आपसे बात। कोई अपनी छोटी बहन के साथ ऐसे करता है? ऐसा भी क्या किया सबा, तुम्हारी वजह से आई वरना कभी भी ना आती मैं इधर। तो ठीक है अब चले जाओ, मुझे नहीं मिलना आपसे। अब तुम ऐसे करोगी ना तो मैं वाकई चली जाऊंगी बाहर। अच्छा इतने दिनों से मैं आपके दिलासे सुन रही थी और अब आप मुझे धमकियां दे रही हैं? अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, लगता है अम्मा से खूब तंग आई हुई हो तुम। और नहीं तो क्या, हर बात में वो अपनी मर्जी करती रहती हैं। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो शहजादी हो इस घर की और मेरे दिल की भी। अब सारी बातें यही करेंगे, चले अंदर चलते हैं। चलो चल। बीबी जी डॉक्टर साहब आई हैं। एनी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, तुम इन्हें ले आई हो? वो जी बड़े चौधरी साहब ने इनको बुलाया है और उन्होंने शहर जाने से मना किया है। मेरी तबीयत ठीक है, आप रुक जाएं। देखें मैं डॉक्टर हूँ और आपको मेरी किस बात पे गुस्सा है? मैडम मुझे कोई गुस्सा नहीं है, ये लोग बस मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। चले आपका जो भी मामला है लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको चेक करना। अच्छा सॉरी। चले इजी हो जाए, मैं आपको चेक करती हूँ। चौधरी साहब का फोन सर जी। तो फोन फौरन उठा और स्पीकर पे लगा। और कहाँ है तू? वो जी मैं फैजान बाबू के साथ आया हूँ जी। कहाँ पर? चौधरी मुनीर के गांव की तरफ आए थे जी। और दिमाग खराब हो गया तेरा? ये कहाँ लेके घूम रहा उसे? दफा और घर वापिस आ। जी मैं आ गया जी। जाने के लिए वैसे इसके घर के बारे में पता करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है। ऑफ कोर्स आ सकती हो लेकिन तुम कैसे आओगी मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ तुम्हें लेने। सोच रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ये तो बताएं कैसा रिलेशन है आप दोनों का? आपको किस पे शक पड़ गया? बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। हाँ किरण कैसी हो? मैं ठीक हूँ। किरण तुम पाकिस्तान में हो? जी पाकिस्तान में हूँ। खैरियत? नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो सैफी से बात हो रही थी ना तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखूँ। अच्छा तो मतलब पाकिस्तान में भी आप ही मेरा ख्याल रखेंगी? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना। हाँ दोबारा डैड से बात हो तो बता दीजिएगा उन्हें कि किरण अब बड़ी हो गई है, अपना ख्याल वो खुद रख सकती है। और समन देखे मैं आपके लिए पाकिस्तान में नहीं आई हूँ। पता
पता नहीं क्यों बाबा भी जानबूझकर समन को मेरे पास लाने की कोशिश करते रहते हैं। और समन भी इतनी ताबेदार तो नहीं हो सकती कि बार बार मना करने के बावजूद वही करती है। वैसे इसके घर के बारे में पता करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाबा को उनकी असलियत का पता होगा। पता तो करूं कि कहाँ रहती है, इसके घर वाले कौन है और ये मेरे बाबा तक कैसे पहुंचे। जी डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, मैंने अपनी तसल्ली कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था। पक्की बात है ना? जी जी पक्की बात। डॉक्टर साहब, ये मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप बेफिक्र हो जाए। और सकलैन, मैं डॉक्टर साहब को इनके क्लिनिक छोड़ के हेलो समन, आप कहाँ हैं? मैं घर पे हूँ। क्यों, खैरियत है? क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ आपसे मिलने? ऑफ कोर्स आ सकती हूँ, लेकिन तुम कैसे आओगी मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ तुम्हें लेने। जो हालतें सफर में होते हैं, आते जाते किसी ना किसी से टकरा जाते हैं। और बस कुछ लोग खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग ठहर जाते हैं। सबा, हमारे घर एक मेहमान आ रहा है। सबा कौन? मेरी बेटी। आपकी बेटी? हाँ, मेरी सौतेली बेटी। ओ, बताया था आपने। क्या उम्र है उसकी? तुम्हारे जितनी होगी या शायद तुम्हारे से बड़ी हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा ये तो बताएं, कैसा रिलेशन है आप दोनों का? बस ऐसा ही है। एक्चुअली सुफियान ने ना उसे काफ़ी लाड प्यार में पाला है, तो जो दिल में आए बोलती है, जो जी में आए करती है। आप ही एक बात तो बताएं, आप आपको मुश्किल नहीं लगता उसको फेस करना? लगता है कभी कभी, उसकी बातें ना मेरा बहुत दिल दुखाती हैं, लेकिन सुफियान की वजह से सब सही हो जाता है। अच्छा तो यहाँ क्या करने आ रही है वो? अपनी सौतेली माँ का घर देखने आ रही है। लेकिन सैफी भाई को तो सब कुछ पता है, फिर वो यहाँ क्यों आ रही है? हाँ सैफी को तो सब पता है, और सैफी की वजह से ही मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ। बल्कि सैफी के लिए तो मैं पूरी दुनिया को बर्दाश्त कर सकती हूँ। हे अल्लाह, मोहब्बत। बोलिए क्या मसला?
सोचों में पड़ गए फैजान बाबू। सोच रहा हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो खुद बड़े तफसील से उन लोगों से पूछ गूछ कर लेनी चाहिए थी। वैसे आपको किस पे शक पड़ गया? शक तो मुझे तुझ पर भी है सलामत। कमरे में जाए ना तो अपने इस दिल को दरवाजे के बाहर कुंडी पे टंग के तो फिर अंदर जाना है। तो क्या बस यहीं पे कैद रहूं? और अगर इस बार मैंने सबको नहीं ढूंढा ना तो मैं बच नहीं पाऊंगा। क्या मतलब है? और यहाँ का सारा काम धंधा छोड़ के तू शहर चला जाएगा? बन गया तू क्यों वजह बेवजह।